हेलो गाइस, मैं नाम आरिफ और आप देख रहे हैं आपका अपना आरिफ आर 06। तो गाइस, हम जयपुर से आए हैं हमारे गांव, और आज हम लोग जाने वाले हैं हमारे नानी के यहां पर। और नानी रहती है खेत पे, तो खेत पे मिलते हैं आपको और दिखाते हैं आपको वहां पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइस, मिलते हैं आपको नानी के वहाँ पर। तो गाइस, ये अपना दोस्त है, ये मेरे को मिल गया रास्ते में, तो ये बोल रहा है कि मेरे को भी नानी के वहाँ पर लेके जाओ। हाय गाइस। तो गाइस, इसको भी लेके जाते हैं, ठीक है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं नानी के यहाँ पर, और ये हमारे सामने ये है नानी का खेत, और अंदर से दिखाते हैं आपको, चलिए। Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways. यहाँ पर खेती करते हैं नानी जी हमारे। यह है सरसों, अभी इसके अंदर कुछ आया नहीं होगा, अभी तो ये खाली है, तब आएगा तब और आएंगे अभी बताने के लिए आपको। और ये है धनिया, शुद्ध देसी धनिया। और यहाँ पर है प्याज, ये प्याज अभी आपको उखाड़ कर नहीं दिखाएंगे क्योंकि अभी छोटे हैं ये। ये यहाँ से पूरा ये नानी का खेत है पूरा, ये इधर का भी। और ये है चने, हरे चने। ये पूरा सरसों का खेत है, ये पूरा वहाँ तक सरसों का खेत है पूरा। ये इधर का पूरा सरसों का खेत है, क्या है मेरे को भी नहीं पता क्या है इधर। और आपको वहाँ पे आगे लेके जाएंगे उधर, और अपने भाई को पूछते हैं उसको कैसा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। कैसा लग रहा भाई? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। और आएगा? ओ जरूर आएगा। और लेके आएंगे और इसको कभी तो आपको उधर लेके जाते हैं आगे। हमको यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ लगी ये दिखाते हैं आपको, ये है देसी जुगाड़ खेत के लिए बनाते हैं ये। और ये नील गाय है, जैसे कोई भी जानवर हो उसको भगाने के काम आता है, हवा से आवाज़ करता है ये ऐसे। ये है पालक, जो सब्जी बनाते हैं ना, ये पालक है। ये वहाँ से यहाँ तक का ये पूरा पालक का है, ये इधर भी पालक है, वो आगे तक का पालक है, वहाँ तक का पूरा पालक ही पालक लगा रखा है यहाँ पे। गाइस, ये है नींबू का पेड़, और यहाँ पर एक वो नींबू लगा हुआ है, और एक नीचे कच्चा नींबू भी है, ये कच्चा नींबू है ये। और गाइस, ये क्या है गाइस? मधुमक्खी। अभी तो मेरे ऊपर छेड़छाड़ का इल्ज़ाम लग जाता गाइस। ये देखो, ये छेड़ने से हमला करती है ये मधुमक्खी। तो गाइस, यहाँ से हम दूर रहते हैं, इसके पास में नहीं जाएंगे। ये है जामफल का पेड़, और ये इधर है केले का पेड़, ये अभी छोटा, इसके ऊपर कुछ लगा नहीं है। ये है केले का पेड़, ये अभी बहुत ही छोटा है गाइस, दो पेड़ है यहाँ पे। ये एक और जामफल का पेड़, और ये इधर केले का पेड़ है, ये आधा सूख गया है आधा सही है। इसके पत्ते कितने बड़े होते हैं गाइस, ये देखना कितने बड़े पत्ते हैं। तो गाइस, ये नींबू का पेड़ और है, ये अभी बहुत छोटा है, ये इसके ऊपर अभी लगा नहीं है। और ये एक और जामफल का पेड़, यहाँ पे जामफल के पेड़
ज़्यादा है यहाँ पे। और आपको आगे दिखाते हैं, और रुको, और ये यहाँ पे केले का पेड़ और है, ये गुलाब का पौधा है भाई, और इस पर अभी गुलाब के फूल लगे हुए नहीं है। और ये देख लो ऐसा होता है गुलाब का पौधा। आगे दिखाते हैं आपको और, तो गाइस यहाँ पर है पपीता का पेड़, ये अभी कच्ची है गाइस, पकी नहीं है, और इस पर आई थिंक 5 पपीता लगी हुई है, और ऊपर वो छोटे छोटे और हैं पपीता। तो गाइस और दिखाते हैं आपको आगे, ये है केले का पेड़, और ये इसके ऊपर ये देखो ये क्या है, अब मेरे को भी नहीं पता। और ऊपर देखो ये केले लगे हुए, कच्चे केले, ये कच्चे केले, ये भी पके नहीं है अभी। और आगे ये और केले का पेड़ है, इस पर भी कच्चे केले हैं, आगे वो और है उस पर भी कच्चे केले हैं। यहाँ पे सब अभी जो भी है वो सब कच्चा ही है, पका कुछ भी नहीं है। और ये किसका पेड़ है, ये किसका है, आम का पेड़ लग रहा मेरे को यार। चलो जो भी होगा, जो बड़ा होने के बाद ही पता चलेगा, और पूछ लेंगे हम किसका पेड़ है। और ये नींबू का पेड़ ही ना, हाँ ये एक और नींबू का पेड़ है गाइस। और यहाँ पे पूरे में केले का पेड़ है, वो कच्चे केले हैं। तो गाइस आगे और दिखाएंगे आपको, बने रहिए वीडियो के एंड तक। हमारे नानी जी पालक काटते हुए, अच्छा पालक ऐसे करता है, तो गाइस आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपको अगली वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय।